हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पनीर पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। पनीर बच्चों को खिलाना बड़ा ही मुश्किल होता है और सेहत के लिए हमें पनीर खिलाना बहुत ही जरूरी है, तो हम पराठे में स्टफ करके उसे खिलाते हैं। ये खाने में बहुत चटपटा लगेगा, बच्चे फटाफट इसे चट कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पनीर पराठे की रेसिपी आप लास्ट तक देखिए और इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। चलिए, हम पनीर पराठा के लिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। तो आटा हमने यहाँ पे 250 ग्राम लिया है, इसे हम एक ट्रे में ले लेंगे। ये गेहूं का आटा नॉर्मल आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल और 1/2 चम्मच हम नमक डाल लेंगे। नमक और तेल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा लगा लेंगे। तो ये नॉर्मल पानी है, ना हम गर्म लिए हैं ना ठंडा, क्योंकि गर्मी का सीजन है। अगर सर्दी होती है तो हम गुनगुने पानी से लगाते हैं। तो जैसे हम रोटी या चपाती का आटा लगाते हैं वैसे ही हम आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालना है और एक स्मूथ डो तैयार करना है। आप देख सकते हैं, हमने आटे को अच्छे से मसल मसल की और एक लोचदार डो तैयार किया है। लोचदार यानी कि हम ऐसे मुट्ठी बांध के इसको जितना मसलेंगे उतना ही बढ़िया डो तैयार होता है। पराठे के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। अपने आटे में लोच रहेगा तो पराठा फैलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि ऐसा लोच तैयार करने में हमें 5 से 6 मिनट लगता है। मुट्ठी से प्रेस कर करके हमने इसे अच्छे से आटा लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर 2 ड्रॉप तेल डालेंगे और ऐसे हथेली से फैला देंगे। इससे ऊपर की परत सूखेगी नहीं और आटा को हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट तक हम इसे रेस्ट करने देंगे। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है। अब हम एक ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लेंगे। आप इसे क्रम्बल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से इसमें बिल्कुल टुकड़ा नहीं बच पाता है, एक सार ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो हम एक ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं, हमने सभी पनीर को अच्छे से ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। तो ये एकदम एक बराबर है, कोई इसमें टुकड़ा नहीं बचा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बॉल प्याज, जिसे हमने बारीक बारीक काट रखा है। आप देख सकते हैं, प्याज बारीक से काटना है क्योंकि पनीर भी अपना बारीक है। तो हम स्टफिंग में बारीक वाला प्याज डालेंगे। इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। आप अपने तीखा के अनुसार डालिए, थोड़ा सा कम करिए, थोड़ा ज़्यादा कीजिए। 1 अदरक जिसे हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है इसे डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता से तो बहुत ही स्वाद आता है पनीर में। अब चलिए, हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चुटकी हींग डाल लेंगे। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे आप नमक आराम से डालिएगा क्योंकि हमने आटा गूंदने में भी नमक यूज किया था। फाइनली हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे। तो हम हाथ को ही स्टेनर बना ले रहे हैं, ऐसे हाथ पे हम रस गिराएंगे तो उसके सीड्स जो है अपने हाथ पे आ जाएगा, फ्रेश रस अपना स्टफिंग में जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 नींबू का रस निचोड़ दिया। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही चटपटी पनीर पराठा की स्टफिंग तैयार होती है। इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार स्पाइसेस थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चे के लिए है तो कम डालिए, बड़े अपने पसंद के अनुसार डाल लीजिए। हमने यहाँ पे चम्मच से तो इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिया है, पर अब हम इसे अपने हाथों से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, स्टफिंग जब हम पराठे में डालेंगे तो अच्छे से एक बाइंडिंग तैयार हो जाएगी इसमें और पराठे भरने में हमें आसानी होता है। तो हमें पनीर को अच्छे से मसल के
जैसे कि हम मुट्ठी में बांधे तो अपनी स्टफिंग ऐसे अच्छे से बन जाए, तो अच्छे से मसल लेना है हमें। तो आप देख सकते हैं हमने एक मिनट तक पनीर को अच्छे से मसला है, तो ये स्टफिंग ऐसे बॉल की तरह बन जा रहा है। तो जब हम इसे आटे में स्टफ करेंगे तो ये फैलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो बस हमें इतना ही मसलना है, अपनी स्टफिंग तैयार हो गई। अब चलिए हम आटा चेक कर लेते हैं। चलिए हम आटा को चेक कर लें। तो अपनी आटा आप देख सकते हैं एकदम चिकना हो गया है, हम उंगली दबा रहे हैं तो कितना अच्छा स्मूथ दिख रहा है। अब फिर हम मुट्ठी ऐसे बना के एक से दो बार ऐसे ऐसे मसल लेंगे, वही सेम प्रोसेस लोज पैदा करने के लिए। तो पराठा भरने में बहुत ही अच्छा रहता है और फैलाने में भी आसान होता है। हमने आटा को अच्छे से मसल लिया। अब हम साइड में थोड़ा सा ये सूखा आटा रख लेंगे। आटा में से हम एक बॉल तोड़ेंगे। आपको जितना बड़ा पराठा का साइज लेना है उतना बड़ा तोड़िए और इसकी लोई बना लीजिए। सबसे पहले हम लोई को आटा में डस्ट कर लेंगे और इन अंगूठों की मदद से इसे ऐसे प्रेस करते हुए एक कटोरी बनाएंगे। आप देख सकते हैं हमें ऐसे कटोरी बनाना है कि ये आटा जो है चारों तरफ बराबर फैले। तो हमने एक ऐसे अच्छी सी कटोरी तैयार कर ली है। अब हम इस कटोरी में जितना स्टफिंग आ सकेगा उतना भरेंगे। ऐसा करने से अच्छे से स्टफिंग पराठे में सेट करते हैं हम। तो हम स्टफिंग की तरफ चलते हैं। हमने कटोरी में एक चम्मच से अच्छे से स्टफिंग दबा दबा के भर लेना है। अच्छी स्टफिंग भरेंगे तो पराठा खाने में मजा आएगा। फिर वही दोनों अंगूठे से हम स्टफिंग को दबाएंगे और आटे को ऐसे ज्वाइंट करेंगे। अगर ज्यादा जरूरत पड़ा तो थोड़ा सा स्टफिंग हम और डाल लेंगे। आपसे जितना बन पड़े उतना भरिए और इसके मुंह को ऐसे ज्वाइंट कर लीजिए। अंगुलियों की मदद से ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी क्रेकेक्स नहीं आया है, अपनी लोई अच्छे से तैयार हुई है। यहाँ पे एक्स्ट्रा आटा को हम ऐसे तोड़ के निकाल देंगे और मुंह को ज्वाइंट कर लेंगे। अच्छे से बॉल बनाते हुए हाथ से ऐसे प्रेस कर लेंगे। अब हम इसे सूखे आटे में डस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सूखा आटा लिया था उसमें डस्ट कर लेना है और इसे हम बेलेंगे। तो हमने एक रोटी बेलने वाला चौकी पे इसे रख लेना है। अंगुलियों की मदद से इसे थोड़ा सा फैला देना है, जितना आपसे फैल सके उतना फैला दीजिए। ये बहुत ही आसानी से फैलता है, आपसे जितना हो सके उतना फैला लीजिए। अब हम बेलन की मदद से हल्के हाथों से इसे पराठा का शेप देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। हमें रोटी जैसे इसे प्रेस नहीं करना है, तो ये अच्छे से अपना शेप ले लेता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना पराठा तैयार हो गया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने तावा गर्म कर लिया है। तावा अच्छे से गर्म होना चाहिए। उस पर हम ये पराठा ऐसे धीरे से छोड़ देंगे और पराठा को हम एक साइड से अच्छे से सीकने देंगे, यानी कि इसमें चीनी आनी चाहिए। तब तक हम इसे सेक लेंगे। तो पराठा सेकने में एक मिनट मुश्किल से लगता है। एक साइड से पराठा अच्छे से सिक जाता है। एक मिनट हो चुका है, चलिए हम पराठा को फ्लिप कर लेते हैं। तो ऐसे किनारे से उठा के हम धीरे से ऐसे फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर की परत जो है सिक चुकी है। हमें ऐसे ही पराठा सेकना है और दूसरी साइड से भी हम चीनी आने तक सिकने देंगे। फिर हम इस पे घी या तेल डालेंगे। दोनों साइड से अच्छे से तेल घोल लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना पनीर का पराठा फूला फूला तैयार हुआ है। इसे हम फ्लिप करके दोनों साइड से तेल लगाते हुए अच्छे से करारेदार सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कितना बढ़िया अपना पराठा तैयार हुआ है। ऐसे ही हम सभी पराठे तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया पनीर पराठा बनाना कितना आसान है। इसे आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो